चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कुमारी शैलजा कार्यकाल नहीं कर सकी पूरा, दिया बड़ा बयान। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। कुमारी शैलजा प्रदेश की ऐसी पहली प्रदेशाध्यक्ष है जिनके पिता भी यह पद संभाल चुके हैं। कांग्रेस के संविधान के अनुसार प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। शैलजा का 3 साल का कार्यकाल सितंबर 2022 में होना था। कांग्रेस के नए संगठन में पुराने हिसार जिले की अनदेखी हुई है। इसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का कोई स्थान नहीं मिला। पिछले लगभग 8 साल से हिसार सिरसा जिले के पास प्रदेशाध्यक्ष की कमान रही है। वर्ष 2014 में अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से एन पहले सितंबर 2022 में कुमारी शैलजा को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हिसार से कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे थे। वह पिछले 1 महीने से 2 बार सोनिया गांधी से मिले तो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इसके बाद उनके समर्थक प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पद भी नहीं दिया। शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 2.5 साल पहले आलाकमान ने मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया था। आलाकमान की ओर से मुझ पर जो भरोसा जताया था उसके लिए मैं आभारी रहूंगी। कांग्रेस में हुए बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा, जो भी फैसला हाईकमान करता है वह सभी को मानना होता है, सभी का मानना ही चाहिए। मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ और कांग्रेस की निरंतर सेवा करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के पद को चुनावी परिणाम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। शैलजा ने कहा, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सभी पार्टी के लिए काम करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।